नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आध्यात्मिक ज्ञान सेवा चैनल में। आज की कहानी थोड़ी छोटी है लेकिन बहुत ही रोचक है। यह कथा है जो मुझे फेसबुक के माध्यम से प्राप्त हुई है, लेकिन सत्य घटना है, आप सभी को मैं सुनाता हूँ। ये कथा है एक ऐसे भक्त की जो रात्रि में निधिवन में कृष्ण जी और उनकी रासलीला देखने रुक गया था। एक बार कलकत्ता का एक भक्त अपने गुरु की सुनाई हुई भागवत कथा से इतना मोहित हुआ कि वह हर समय वृंदावन आने की सोचने लगा। उसके गुरु उसे निधिवन के बारे में बताया करते थे और कहते थे कि आज भी भगवान यहाँ रात्रि को रास रचाने आते हैं। उस भक्त को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था और एक बार उसने निश्चय किया कि वह वृंदावन जाऊंगा और ऐसा ही हुआ। श्री राधा रानी की कृपा हुई और आ गया वृंदावन। उसने जी भर कर प्यारे जी का और राधा रानी जी का दर्शन किया, लेकिन अब भी उसे इस बात का यकीन नहीं था कि निधिवन में रात्रि को भगवान रास रचाते हैं। उसने सोचा कि एक दिन निधिवन रुक कर देखता हूँ, इसलिए वो वहीं रुक गया और देर तक बैठा रहा। और जब शाम होने को आई तब एक पेड़ की लता की आड़ में छिप कर बैठ गया। जब शाम के वक्त वहाँ के पुजारी निधिवन को खाली करवाने लगे तो उनकी नज़र उस भक्त पर पड़ गई और उसे वहाँ से जाने को कहा। तब वो भक्त वहाँ से चला गया, लेकिन अगले दिन फिर से वह वहाँ जाकर छिप गया और फिर शाम से होते होते पुजारियों ने उसे दोबारा निकाल दिया और आखिर में उसी ने निधिवन में ऐसा कोना खोज निकाला जहाँ उसे कोई न ढूंढ सकता था। और वो आंखें मूंदे सारी रात वहीं निधिवन में बैठा रहा। और अगले दिन जब सेविकाएं निधिवन में साफ सफाई करने आईं तो पाया कि एक व्यक्ति बेसुध पड़ा है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। तब उन सेविकाओं ने सभी को बताया तो लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो गई। सभी ने उस व्यक्ति को बोलने की कोशिश की, बुलवाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। लोगों ने उसे खाने के लिए मिठाई आदि दी, लेकिन वो फिर भी नहीं बोल रहा था। वो बिल्कुल बेसुध सा था। ऐसे ही वो 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए ऐसे ही बेसुध पड़ा रहा। और 5 दिन बाद उसके गुरु जो कि गोवर्धन में रहती थी बताया गया, तब उसके गुरु वहाँ पहुँचे और उसे गोवर्धन अपने आश्रम में ले आए। आश्रम में भी वो ऐसे ही रहा। एक दिन सुबह सुबह उस व्यक्ति ने अपने गुरुजी से लिखने के लिए कलम और कागज देकर मानसी गंगा में स्नान करने चले गए। जब गुरुजी स्नान करके आश्रम में आए तो पाया कि उस वक्त ने दीवार के सहारे लगकर अपना शरीर त्याग दिया था और उस कागज पर लिखा हुआ था, गुरुजी मैंने यह बात किसी को भी नहीं बताई है, पहले सिर्फ आपको ही बताना चाहता हूँ। आप कहते थे ना कि निधिवन में आज भी भगवान रास रचाने आते हैं और मैं आपकी कही बात पर यकीन नहीं करता था, लेकिन जब मैं निधिवन में रुका तब मैंने साक्षात वहाँ के बिहारी का राधा रानी के साथ गोपियों के साथ रास रचाते हुए दर्शन किया और अब मेरे जीने की इच्छा समाप्त हो गई है। कोई भी मेरी इच्छा अब जीवन की नहीं है। इस जीवन का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य मैंने प्राप्त कर लिया है और अब मैं जीकर करूंगा भी क्या। श्याम सुंदर की सुंदरता के आगे ये दुनिया वालों की सुंदरता कुछ भी नहीं है, इसलिए आपके श्री चरणों में मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। बंधुओं, वो पत्र जो उस भक्त ने अपने गुरु के लिए लिखा था आज भी मथुरा के सरकारी संग्रहालय में रखा हुआ है और बंगाली भाषा में लिखा हुआ है। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।